वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने कपड़ों की केयर करें और उन्हें नए जैसा कैसे रखें लंबे टाइम तक। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि सिमरन हम कपड़ों की केयर कैसे करें या फिर हमारे कपड़ों में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं धोने के बाद। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे मैं अपने कपड़ों की केयर करती हूँ। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी साथ में जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि कुछ कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी फेडेड दिखने लगते हैं या फिर कुछ कपड़ों का प्रिंट चला जाता है। कुछ साड़ीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, उनमें से धागे निकल जाते हैं या फिर वो टाइम के साथ पुराने लगने लगती है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है वॉशिंग। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कौन से कपड़े को कैसे वॉश कर रहे हो, बिकॉज यही हम लैग कर जाते हैं और हम सारे कपड़े मशीन में डाल के धो देते हैं एंड वी आर डन। और बाद में हम कहते हैं कि इस कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसका प्रिंट चला गया है या फिर ये कॉटन थी, ये सिकुड़ गई है। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन होगा कि हम कौन से कपड़े फिर वॉश करें मशीन में या फिर कौन से नहीं करें। तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है, जितने भी आपके रेडीमेड कपड़े होते हैं सबके पीछे टैग्स आते हैं, या तो पीछे बैक में मिलेंगे या फिर यहाँ पे साइड में कहीं पे होते हैं। उन टैग्स को आप पढ़ सकते हो, उस पर साफ साफ लिखा होता है मशीन वॉश और हैंड वॉश। बल्कि कुछ कपड़े तो ऐसे भी होते हैं जो कि मशीन वॉश होते हैं लेकिन टंबल ड्राई नहीं होते। टंबल ड्राई मतलब आप जानते होंगे, नहीं पता तो बताती हूँ, जो हम ड्राई करते हैं कपड़े ड्रायर में मशीन में डाल के वो वाले। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आप मशीन में धो सकते हो लेकिन टंबल ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि टंबल ड्राई में कपड़े बहुत ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। आपने देखा बहुत सरवट आ जाती है कपड़ों पे, तो साफ साफ इंडिकेशंस होते हैं कि टंबल ड्राई ना करें, या फिर कुछ कपड़ों पे ऐसे लिखा होता है कि मशीन वॉश ना करें। तो अब बस आपको वही आइडेंटिफाई करना है। अब ये तो हो गई रेडीमेड कपड़ों की बात, अब जो कपड़े रेडीमेड नहीं है उनके साथ आपको क्या करना है। तो जीन्स आपको टंबल ड्राई नहीं करना चाहिए, कॉटन भी मैं ही रिकमेंड करती हूँ कि टंबल ड्राई ना करें। अब जैसे आपके फॉइल प्रिंट वाले कपड़े होते हैं या फिर जो प्रिंटेड कपड़े हैं उन्हें ट्राई करें कि आप हैंड वॉश ही करें, सिंपल सर्फ के पानी में डाल के उन्हें सिर्फ हाथ से ऐसे रगड़ें, उन पर ब्रश ना चलाएं, तो भी आपका प्रिंट नहीं जाएगा, कलर्स नहीं जाएंगे, कलर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए वॉशिंग का खास ध्यान रखें। आपकी जो एक्सपेंसिव कुर्तीज़ हैं उन्हें मशीन में ना डालें, जिन कपड़ों पर ड्राई क्लीन लिखा होता है उन्हें ड्राई क्लीन करवाएं। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप कौन सा कपड़ा धो रहे हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट टिप। जो सेकेंड टिप है, डू नॉट वॉश टू मच। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ कपड़ों को बहुत ज़्यादा धोने लगते हैं। यू नो, कभी कभी क्या होता है कि एक कपड़ा हमारा फेवरेट बन जाता है, हम रिपीटेडली उसको पहनते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली उसको धोते हैं। तो ज़्यादा धोने से भी कपड़ों का कलर जाता है, उन पर छोटे छोटे रुएं भी आ सकते हैं एंड वो बहुत जल्दी पुराने दिखने लगते हैं। तो अपने फेवरेट कपड़ों को बचाने के लिए उन्हें थोड़ी सी दूरी बनाकर पहने, जैसे कि हफ्ते में आप एक बार पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कपड़े पहने, फिर हफ्ते में दो बार। तो धोने का खास ध्यान रखें कि ज्यादा ना धोएं, बिकॉज ज्यादा धोने से भी कलर जाते हैं। जो सिंथेटिक मटेरियल होता है उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, खूब धो सकते हो आप, लेकिन जो कॉटन मटेरियल है या फिर कुछ डेलिकेट मटेरियल्स होते हैं, प्रिंट्स होते हैं, तो सिंथेटिक प्रिंट्स, फॉइल प्रिंट्स और जो नॉर्मल प्रिंट्स आते हैं, डार्क कलर्स आते हैं कॉटन में, उन्हें अगर आप डेली डेली धोएंगे तो उनका कलर चला जाएगा, तो उनकी जो शाइन होती है कपड़े की वो भी खत्म हो जाती है। तो डू नॉट वॉश टू मच। नंबर थ्री टिप है, डोंट ड्राई क्लोथ्स इन डायरेक्ट सनलाइट। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें आपको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं सुखाना चाहिए, बल्कि मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने कपड़ों को एकदम डायरेक्टली सनलाइट में ना सुखा। सो सर्दियों में तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप डायरेक्टली सनलाइट में अपने कपड़े सुखा सकते हो। तो गर्मियों की जो धूप होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है एंड कड़क होती है, तो उस धूप में कपड़ों को डायरेक्टली ना सुखाएं गर्मियों में। गर्मियों में मैं रिकमेंड करूंगी आप कपड़े अपने शेड में ही सुखाएं, क्योंकि उससे आपके कपड़ों का कलर बिल्कुल नहीं जाएगा एंड वो नए जैसे दिखेंगे। हम अपने कॉटन के कपड़े सारे ज्यादातर धूप में सुखा लेते हैं, धोने के बाद तो बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, लेकिन उससे वो बहुत जल्दी फेड भी हो जाते हैं और पुराने लगने लगते हैं। तो बस इसी चीज का ध्यान रखें। तो जब भी आप समर में कपड़े धोते हो तो उन्हें डायरेक्टली सनलाइट में मत डालो, स्पेशली कॉटन क्लोथ्स, उनको आप शेड में सुखाएं तो उनकी शाइन बनी रहती है। ये सेम रूल आपकी जीन्स पर भी अप्लाई होता है। गर्मियों में जीन्स के कलर बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, तो जितने भी आपके डेनिम्स हैं उन्हें भी आप छांव में ही सुखाएं। नंबर फोर इज ड्राई क्लीन। अब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अपनी डेलिकेट साड़ीज या फिर एक्सपेंसिव साड़ीज को भी घर में ही धो लेते हैं। सो आई डोंट रिकमेंड दैट। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा कर दोगे, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है वो कितनी भी एक्सपेंसिव साड़ी हो घर में ही धो के काम खत्म कर देते हैं। बट बहुत सारी साड़ीज ऐसी होती हैं That needs dry cleaning. तो जो कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए बने हैं प्लीज उन्हें ड्राई क्लीन ही करवाएं। उन पर सिर्फ ऐसे ही मजाक में नहीं लिखा होता कि these are made for dry cleaning, क्योंकि उनका कपड़ा इतना डेलिकेट होता है या फिर उन पर कुछ ऐसा काम होता है जिसे ड्राई क्लीनिंग की ही जरूरत होती है। क्योंकि बहुत सारी साड़ीज होती हैं जिनमें तार का काम होता है, अगर आप उन्हें घर में धोगे तो वो रस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए ड्राई क्लीनिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली आपकी जो एक्सपेंसिव साड़ीज हैं, सिल्क साड़ीज हैं या फिर हैवी वर्क वाली साड़ीज हैं, उन्हें हमेशा ड्राई क्लीन करवाएं। मैं मानती हूँ थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है ड्राई क्लीन करवाना, लेकिन उससे आपका कपड़ा भी बचा रहता है और लंबे टाइम तक उसमें एक नई शाइन एंड यू नो एक नया लुक बना रहता है।
नंबर 5 जो टिप है वो मेरी फेवरेट है एक्चुअली, जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। मैं अपने कपड़ों को धोने के बाद फैब्रिक कंडीशनर में एक बार डिप करके तब सुखाती हूँ। उससे क्या होता है कि कपड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आती है एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज वो कलर मेंटेन करके रखता है। देखो उसका तो मुझे पता नहीं, वो मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि कलर मेंटेन रखता है फैब्रिक कंडीशनर या फिर नहीं, लेकिन कपड़े में एक सॉफ्टनेस सी आ जाती है, साथ ही साथ बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जब कपड़ों में अच्छी खुशबू आती है तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है जब भी आप पहनते हो। तो इसलिए फैब्रिक कंडीशनर हमेशा यूज़ करें, आपके कपड़ों में से बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत हल्की हल्की सी आती है, वेरी प्लेजेंट। तो आप फैब्रिक कंडीशनर बहुत टाइप के मार्केट में मिल जाते हैं, आई थिंक बहुत सारी कंपनीज का आता है, तो अगर आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, यू कैन चेक दैट आउट। तो डेफिनेटली एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक मैंने यूज़ किया था मॉर्निंग फ्रेश करके, आई थिंक फैब्रिक कंडीशनर था, कौन सी कंपनी का था मुझे याद नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट इट वॉज रियली गुड एंड इतनी अच्छी स्मेल आती है कपड़ों में से। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं पता है कैसे यूज़ करना है तो इट्स वेरी सिंपल। जैसे आप नॉर्मली कपड़े धोते हैं, आपके कपड़े धुल गए, ठीक है, उसके बाद आप एक बाल्टी में फैब्रिक कंडीशनर डाल के उसमें कपड़े 10 मिनट के लिए भिगो दो, फिर उन्हें निचोड़ के आप सुखा सकते हो, बस यू आर डन। बहुत अच्छी प्लेजेंट सी स्मेल आती है आपके कपड़ों में। नंबर 6 टिप है, जो आपके साड़ीज होते हैं या फिर हैवी सूट्स होते हैं जिन पे यू नो वर्क है कुछ, तो उन्हें आप कैसे स्टोर करें। देखें या तो आपका जो वार्डरोब है वो एयर टाइट हो, यू नो जो स्लाइडर्स वाले डोर आते हैं बिल्कुल एयर टाइट बंद होते हैं, उसमें आप हैंगर में नॉर्मली टांग सकते हो, कोई इशू नहीं, तो कोई भी मौसम हो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये जो बरसात का मौसम होता है ना, इसमें कपड़े स्पॉइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया पनपते हैं, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे वाइट वाइट निशान हो जाते हैं कपड़ों पे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसको क्या कहते हैं, बट वो हो जाता है कपड़ों पे एंड उससे कपड़े पूरे खराब हो जाते हैं। बहुत सारे फैब्रिक्स जैसे कि सिल्क हो गया या फिर यू नो जो हैवी फैब्रिक्स होते हैं, आप उन्हें यूज करके ऐसे टांग दें तो वो खराब हो जाते हैं बरसात के मौसम में। तो या तो आप एयर टाइट वार्डरोब है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, लेकिन अगर नहीं है तो पॉली बैग्स आते हैं बड़े बड़े, मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे, एंड वो आप ले सकते हो। उन बैग्स में आप अपनी साड़ी स्टोर करके रखें, उसी में आपका ब्लाउज पेटीकोट और साड़ी आ जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि काफी बड़े बड़े आते हैं। एंड इस तरह के बैग्स आपको बहुत आसानी से अफोर्डेबल प्राइस में आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, बट मैं अपनी साड़ी उन्हीं में स्टोर करती हूँ एंड साड़ी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती चाहे कोई भी मौसम हो। साथ ही साथ उसमें यू नो जो साड़ी का वर्क है फैब्रिक है वो भी खराब नहीं होता एंड धूल और मिट्टी से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलमारी में धूल चली ही जाती है। तो इसलिए उन बैग्स में आप अपनी साड़ी को स्टोर कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी साड़ी नई ही रहेगी हमेशा। नेक्स्ट जो टिप है वो है वुलन क्लोथ्स के लिए। जब भी हम कपड़े अंदर रखते हैं, जैसे गर्मियाँ आ गई तो सर्दियों के कपड़े हमें अंदर रखने हैं, तो सर्दियों के कपड़ों में हमेशा नेफ्थलीन बॉल्स डालें एंड किसी भी बैग में डालने से पहले एक बड़ी सी पॉलीथीन में सारे कपड़े डालकर उसको बंद करके तब उसे किसी बैग में रखें, डायरेक्टली ऐसे ही बैग में ना रखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये जो बरसात का मौसम होता है इसमें भी कपड़े खराब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, तो वुलन क्लोथ्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं बैक्टीरियाज की वजह से। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पैक करके नेपथलीन बॉल्स डाल के फिर उसे बैग के अंदर रखें और फिर जहाँ पे आपको स्टोर करना है आप कर सकते हो। तो पॉलीथिन और नेपथलीन बॉल्स कभी मत भूलना। नेपथलीन बॉल्स तो आपने देखी होंगी, जो गोल गोल गोलियाँ आती हैं, आई थिंक घर में हम लोगों ने कपूर की गोली भी कहते हैं, जो गोल आती हैं बड़ी बड़ी जनरल हाउस होल्ड में, मुझे नहीं पता सबके घर में क्या कहते हैं, बट मेरी मम्मी यही बोलती थी तो मुझे यही पता उसके बारे में। तो आप वो यूज कर सकते हो, उससे क्या होगा कि आपके जो कपड़े हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड उनमें कोई स्मेल भी नहीं बनती है। सो गाइस ये कुछ कॉमन टिप्स हैं जो कि मैं यूज करती हूँ, इसके अलावा टिप्स तो बहुत सारे टिप्स हैं कपड़ों को लेके, बट ये कुछ नॉर्मल से हैं जो कि हम जनरली फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट टिप जो है वो है, जब आप अपने कपड़ों पे आयरन करते हो यानी कि प्रेस करते हो, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पे अगर आप डायरेक्टली प्रेस करो तो कभी उनका प्रिंट आपके प्रेस पे चिपक जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने प्रेस को ज़्यादा गर्म कर लिया, एकदम से हम कपड़े पे रखते हैं तो क्या होता है कि उसका कलर भी यू नो फेड हो जाता है उस पार्ट से। तो उसके लिए आप क्या करें, तो या तो आप नॉर्मली जैसे आपकी कोई यू नो वर्क वाली साड़ी है या फिर सूट है उस पर आपको प्रेस करना है या फिर उस पर प्रिंट है उस पर आपको प्रेस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई एक कॉटन का कपड़ा पतले वाला लेके, जैसे दुपट्टे का कपड़ा होता है उसको उसके ऊपर रख के आप नॉर्मली प्रेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि प्रेस भी अच्छी हो जाएगी, नीचे आयरन हो जाएगी आराम से एंड वो जितना प्रिंट है या फिर जो काम है गले पे वो भी खराब नहीं। इसके अलावा एक और ट्रिक है, अगर फॉइल प्रिंट नहीं है तो, अगर उस पर प्रिंट है ऊपर तो कपड़ा रखकर ही प्रेस करें हमेशा, लेकिन अगर प्रिंट नहीं है सिर्फ बीड्स वाला काम है या फिर ऐसा कुछ है तो आप अपने सूट को या फिर साड़ी को उल्टा करके प्रेस कर सकते हैं, यानी कि पूरे सूट को उल्टा कर लीजिए एंड उल्टी साइड से प्रेस करेंगे तो जो वो मोती वगैरह या फिर जितना भी वर्क है वो भी खराब नहीं होगा प्रेस से एंड बहुत आसानी से प्रेस हो जाएगी। एंड जितने भी यू नो आप इस टाइप के कपड़ों पर प्रेस करते हैं जिन पर काम होता है या फिर जिनका डेलिकेट कपड़ा होता है,
तो जो आपकी जो आयन होनी चाहिए वो बहुत कम गर्म होनी चाहिए, हल्की गर्म आयन से प्रेस करें, उससे क्या होगा कि कपड़े का शाइन नहीं जाता है एंड वो फेड भी नहीं होता है, साथ ही साथ अगर कोई प्रिंट वगैरह है तो वो चिपकेगा भी नहीं कपड़े पे दूसरी साइड। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स हैं, नॉर्मल कपड़ों को आप उल्टा करके प्रेस कर सकते हो, बाकी जिन पे प्रिंट्स वगैरह हैं या फिर ऐसा कुछ है तो उस पर कॉटन का कपड़ा रख के आप प्रेस कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सोचा क्यों ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए, बिकॉज हम फैशन वीडियोस बनाते हैं लेकिन उन कपड़ों को संभाल के कैसे रखना है वो भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल बटन, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड गाइज वी नीड टू रीच 100K रियली सून, सो प्लीज सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय।